अगर आप कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं तो शायद इस खबर को जानकर आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। नहीं, वो शो नहीं छोड़ रहे हैं। आप उस शो को लगातार देख सकते हैं। जितना मनोरंजक और परिवार के साथ बैठ के देखने वाला ये शो कपिल शर्मा ने बनाया है, पिछले कुछ समय में या टीवी के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई कॉमेडी वाला शो रहा होगा जिसे आप सब परिवार देख सकते हैं। बड़ी खबर कपिल शर्मा की तरफ से जो आ रही है वो ये है कि गुरुवार के दिन कपिल शर्मा मुंबई पुलिस में दिलीप छाबड़िया डीसी डिजाइंस उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने गए हैं। कपिल शर्मा का ये कहना है कि डीसी डिजाइंस ने उनसे 5 करोड़ 70 लाख रुपए लिए थे उनकी वैनिटी वैन बनाने के लिए, पर वो वैनिटी वैन कभी डिलीवर ही नहीं हुई। कपिल शर्मा ने देखा कि डीसी, अगर आप नहीं जानते हैं तो दिलीप छाबड़िया जो कि 67 वर्षीय कार डिजाइनर हैं, डीसी डिजाइन्स के नाम से इनकी फर्म है और 2016 में इन्होंने भारत की पहली स्पोर्ट्स कार लॉन्च की थी डीसी अवंती के नाम से। लॉन्च होते ही ये काफी हिट हुई थी, बहुत सारी गाड़ियां इन्होंने बेची भी थी। दिलीप छाबड़िया के बारे में अगर हम और आपको बताएं तो शायद ही कोई ऐसी सेलिब्रिटी होगी जो अपनी कार इनके पास मॉडिफाई करवाने के लिए ना जाती हो। इनके हुनर को सारा देश जो है वो जानता है और मानता है। अगर आप चाहें कि आप एक शिप का मॉडल बनाना चाहते हैं अपनी कार पर, एक प्लेन बनाना चाहते हैं अपनी कार पर, तो दिलीप छाबड़िया वो काम कर सकते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि इस उम्र में इन्हें पुलिस और जेल की हवा खानी पड़ी। दिलीप छाबड़िया को करप्शन के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया है, धोखाधड़ी के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया है। अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में सौंप दिया गया है। पूरा मुद्दा क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल जब 2016 में डीसी अवंतिका लॉन्च हुई तो डीसी ने क्या किया कि ये एनबीएफसीज और एनएफबीसी नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनीज के पास गए और अपनी ही बनाई हुई कार को खरीदने के लिए खुद एज ए कस्टमर पोर्ट्रे करते हुए इन्होंने हर कार पर लगभग 42 लाख का लोन लिया। समझिए कितनी चतुराई से इन्होंने ये काम किया। अलग अलग ऐसे कंपनीज में ये गए जो इजी लोन प्रोवाइड कर सकते थे और डीसी जो है वो एक ब्रांड नेम है तो वेटेज कैरी करता था। ये कंपनीज ने भी बहुत ही आसानी से इन्हें लोन दे दिया और धीरे धीरे बहुत सारी परतें खुलने लगी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल तमिलनाडु में डीसी के कस्टमर जिन्होंने अवंतिका खरीदी थी उन्होंने शायद ट्रैफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया। जब उन्हें चालान भेजे जाने लगा तो पाया गया कि सेम डिटेल्स की गाड़ी हरियाणा में भी रजिस्टर है। जब उनसे पूछताछ की गई तो जो कस्टमर था वो खुद हैरान था। उन्होंने बहुत कोशिश की दिलीप छाबड़िया को कांटेक्ट करने की लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थक हार के वो मुंबई चले गए उनसे रूबरू होने के लिए और वहां पर भी डीसी की तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना मिलने की वजह से उन्होंने मुंबई पुलिस में कंप्लेंट दायर कर दी। अब उसके आगे जब मुंबई पुलिस ने छानबीन शुरू की तो सबसे पहला जो लूप होल आप फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस का जो उन्हें समझ में आया वो ये था कि अपनी ही बनाई हुई कार को खुद कस्टमर बन के खरीदने के लिए 42 लाख रुपए का लोन लिया जा रहा था। दूसरा, लगभग 90 ऐसे व्हीकल थे जिनके ऊपर ये लोन लिया गया था। 16 ऐसी गाड़ियां थी जिनका रजिस्ट्रेशन जो था, कार इंजन नंबर आप जानते हैं कि वो यूनिक होता है, वो सेम था। तीसरा, सेम गाड़ी 2 या 3 RTOs पर रजिस्टर्ड थी। आप अगर नहीं वाकिफ हैं तो मैं अपने व्यूवर्स को बता देता हूं कि एक गाड़ी जो है वो एक ही RTO पर रजिस्टर हो सकती है, बट ऐसी बहुत गाड़ियां निकली डीसी की जो 2 से 3 RTOs में रजिस्टर्ड थी। अब मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि शायद जो ये नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज थी इनके कारिंदे इनके एम्प्लॉयज भी इनसे मिले होंगे, उसकी छानबीन जारी है। जिन जिन RTOs पर सेम गाड़ी की 2 से 3 जगह रजिस्ट्रेशन मिली है उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है और ये जांच की जा रही है ऐसा क्या लूप होल है जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया। अक्सर हमने देखा है कि भारत में बहुत सारे उद्योगपति लोन लेते हैं बैंक से और फिर वो लोन दिए बगैर गायब हो जाते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 31 ऐसे उद्यमी या कारोबारी या बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया और वो आज फॉरेन में सेटल हैं लोन का एक पैसा दिए बगैर। आप जानकर हैरान होंगे कि वो जो अमाउंट है वो रफली 40,000 करोड़ है।
आपकी मेरी आम जनता की जेब से गया हुआ पैसा बड़े ही आराम से अपने जीवन के लिए इन लोगों ने खर्च किया और अब सरकार को बैंकिंग सिस्टम को अंगूठा दिखाते हुए बाहर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या सच में ये जो हम बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स के, क्या ये जरूरी या ये सही समय है? क्या नीड ऑफ द आवर ये नहीं बोलती है कि हम अपने नॉर्म्स को, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करें और ये पुरजोर कोशिश करें कि इनके लूप होल्स का कोई फायदा ना उठा पाए? खैर, आपकी राय क्या है इस बारे में? दिल थोड़ा सा दुखा, इतना एजेड आदमी जिसको एक नाम, एक ब्रांड की तरह जाना जाता था, और वो ऐसे पेटी थेफ्ट, उनकी कीमत के आगे 650 करोड़ की वर्थ है लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर गलत हूं तो माफ कीजिएगा, आप सही गूगल पे जान सकते हैं, पर ये शायद मैंने कहीं पर पढ़ा था तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। सिर्फ 42 लाख रुपए के कुछ व्हीकल्स पे लोन लेने के लिए उन्होंने ऐसी कार्रवाई की, भगवान जाने क्या रीजन था, लेकिन इंसान का काम और इंसान का नाम इंसान से बड़ा होता है, तो उन्होंने वो अपने जीवन में हासिल कर लिया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कोई और जानकारी आपके पास इस एपिसोड से रिलेटेड है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आप जैसे लोगों के, व्यूवर्स की, श्रोताओं की, श्रोता तो खैर देख रहे हैं तो व्यूवर्स कहलाएंगे आप जैसे व्यूवर्स की वजह से ही हमें हिम्मत मिलती है। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।